गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विश्व सरैया के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम गौतम कुमार सिंह है और आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग घर के पंखे को हम लोग कैसे कनेक्शन करते हैं, मतलब सीलिंग फैन के कनेक्शन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आप लोग अपने अपने घरों में देखे होंगे कि सीलिंग फैन में आपको 3 वायर देखने को मिलता है, तो वहाँ पर सबसे पहला सवाल आता है कि हमें किस वायर में हमें कैपेसिटर का कनेक्शन करना है और किस वायर में हमें न्यूट्रल देना है और किस वायर में हमें फेज सप्लाई देना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले फिगर के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा कनेक्शन डायग्राम बना हुआ है आपके सामने और फैन में जो है 2 वाइंडिंग होती है। एक होता है हमारा रनिंग वाइंडिंग जो कि मोटे तार से और इसकी टर्न्स कम होती है। उसके बाद में स्टार्टिंग वाइंडिंग जो कि पतले तारों से की जाती है और इसकी नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद में देखेंगे एक एक सिरे को हम लोग एक साथ में ट्विस्ट करके और एक वायर निकाल दिए हैं जो कि कॉमन टर्मिनल के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि कैपेसिटर का कनेक्शन कहाँ पर करेंगे। तो एक एक सिरा जो बचा हुआ है, एक रनिंग वाइंडिंग का और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का, उन दोनों में हम लोग एक एक सिरा हम लोग कैपेसिटर का जोड़ देंगे जो कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। उसके बाद ये हमारा कनेक्शन हो गया कैपेसिटर के साथ भी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग कहाँ पर फेज देंगे और कहाँ पर हम लोग न्यूट्रल देंगे। तो जो हमारा कॉमन टर्मिनल निकला था उसमें हम लोग न्यूट्रल देंगे और रनिंग वाइंडिंग के सिरे में जिसमें कैपेसिटर का एक सिरा जुड़ा हुआ है उसमें हम लोग फेज वायर देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे फैन को चला करके, अगर फैन हमारा सही दिशा में नहीं घूम रहा है तो हम लोग उसके कनेक्शन को आपस में बदल देंगे। तो आइए इसके बाद अब हम लोग टूल्स और मटेरियल्स के बारे में जानते हैं। तो हमें इसमें टूल्स में चाहिए होंगे सबसे पहले एक इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, एक फेज टेस्टर, एक स्क्रू ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन नाइफ, इन सभी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद मटेरियल्स में हमें क्या क्या चाहिए होंगे, तो सबसे पहले हमें एक सीलिंग फैन लेना होगा, उसके बाद में एक कैपेसिटर लेना होगा जिसकी रेटिंग 2.5 माइक्रोफेरेड होती है, उसके बाद एक टेस्टिंग बोर्ड और फिर कुछ वायर के टुकड़े। तो आइए अब हम लोग कनेक्शन करके और फैन को घुमा करके देखते हैं कि फ़ैन कौन से डायरेक्शन में हमारा घूम रहा है। तो हमारे साथ में बने रहिए, धन्यवाद। जैसा कि आपके सामने ये हमारा सीलिंग फैन है जो कि आपको यहाँ पर 4 वायर यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, 2 रेड और 2 ब्लैक है। इसका अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा किसका पेयर है। इसके लिए हमें सीरीज लैंप की ज़रूरत होगी जो कि हम लोग टेस्ट करेंगे सीरीज बोर्ड से। यहाँ पर अब हम लोग जैसे कि देख लेंगे कि यहाँ पर हमारा इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, इसे समझ में आ रहा है कि हमारा बोर्ड में लाइन आ चुका है। अब हम लोग टेस्टिंग बोर्ड को एक बार हम लोग टेस्ट कर लेंगे दोनों टर्मिनल को लगा करके कि हमारा बल्ब जल रहा है या नहीं। ये देखिए बल्ब हमारा जल रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है वायर 4, इसमें किसी एक में लगाएंगे हम लोग
उसके बाद में बारी बारी से लगा करके हम लोग बारी बारी से हम लोग लगा करके देखेंगे बल्ब के रिएक्शन को, बल्ब का रिएक्शन क्या होता है हमारा। यहाँ पर जैसा कि दिख रहा होगा कि ब्लैक वाले में लगाने पर बल्ब हमारा डिम जल रहा है। ये हो गया एक पेयर, हमारा समझ में आता है। उसके बाद में हम लोग रेड वाले में और ब्लैक वाले में लगाएंगे, रेड को रेड के साथ में देंगे। ये बल्ब हमारा थोड़ा उससे ज़्यादा ब्राइटनेस हो रहा है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि ब्लैक वाला जो है वायर वो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का है और रेड वाला जो वायर है ये हमारा रनिंग वाइंडिंग का है। इसके बाद अब आइए हम लोग कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर कॉमन वायर को निकालेंगे। जैसा कि हमने फिगर में भी आपको बताया था कि एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर जो कि ब्लैक वायर है और एक हम कोई भी रनिंग वाइंडिंग के वायर को ले करके एक साथ में ट्विस्ट कर लेंगे जो कि हमारा न्यूट्रल पॉइंट बनेगा। इसमें न्यूट्रल की सप्लाई हमें देनी है। ये जो दो वायर हमारा निकल गया, एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का, इसमें अब हम लोग कैपेसिटर लगाएंगे। ये हमारा कैपेसिटर होल्डर है, इसमें कैपेसिटर को हम लोग अच्छे से लगाएंगे। ये हमारा कैपेसिटर लग गया है। उसके बाद एक एक वायर को हम लोग ट्विस्ट कर लेंगे ध्यान से। ये हमारा कैपेसिटर का भी कनेक्शन हो गया है। उसके बाद में जैसा कि हमने आपको बताया था, ये हमारा कॉमन टर्मिनल है, इसमें हम लोग न्यूट्रल पॉइंट देंगे और एक जो हम लोग उसमें रनिंग वाइंडिंग वाला जो वायर है इसमें फेज वायर हम लोग देंगे। इसका वाइए हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं। इसे हम लोग फैन का हम लोग उस कनेक्शन करने से पहले एक बार हम लोग टेस्ट करके देख लेंगे कि हमारा फ़ैन कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है। जैसा कि आपको हमने बताया था कि एक वायर जो उसमें न्यूट्रल वाला वो हम लोग उस कॉमन टर्मिनल में देंगे और एक वायर दोनों में से किसी एक में लगाएंगे जिसमें कैपेसिटर का कनेक्शन हम लोग करके रखे हैं। ये हमारा जैसा कि उसमें घूमता हुआ दिख रहा है, ये हमारा एंटी क्लॉक उसमें डायरेक्शन में घूम रहा है। उसके बाद दूसरे टर्मिनल में हम लोग देंगे, जैसा कि ये दिख रहा है उसमें घूमता हुआ हमारा क्लॉक वाइज उसमें डायरेक्शन में है। तो आइए अब इसका हम लोग प्रॉपर कनेक्शन कर लेते हैं एक बार। यही सप्लाई अब हमारा यही जिस वायर में हमारा क्लॉकवाइज उसमें घुमा था फैन, हम लोग उसी में अब सप्लाई देंगे जो कि हमारा सही मेथड भी होता है। इसका अब हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं। एक वायर हमारा एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कौन सा डायरेक्शन कहाँ था। ये हमारा कॉमन टर्मिनल है, ये हमारा क्लॉकवाइज उसमें घूम रहा है, इसलिए हमें समझ में आ गया है कि हम लोग एक वायर हम लोग उस कॉमन टर्मिनल में और एक जो रेड वाला जो वायर दिख रहा है जिसमें कि हमें फेज का कनेक्शन करना है। तो आइए अब हम लोग इसका कनेक्शन करके देख लेते हैं। यहाँ पर उस जैसा कि देख रहे हैं हम लोग उस कॉमन टर्मिनल में न्यूट्रल वाले तार को जोड़ दिए हैं और एक वायर जो कि रनिंग वाइंडिंग के साथ में हमारा कैपेसिटर लगा हुआ था, जिसमें कि टेस्ट हम लोग करने से हमें समझ में आ रहा था कि ये हमारा फैन जो है उसमें क्लॉक वाइज उसमें डायरेक्शन में घूम रहा था, यही सही तरीका है। और सप्लाई हम लोग देने से पहले एक बार देख लेंगे अच्छे से कि कहीं पर उस वायर सटा हुआ तो नहीं है एक दूसरे से, इन बातों का ध्यान रख लेना चाहिए। जैसा कि उस कनेक्शन अब हो गया है, उसके बाद हम लोग
यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा हमारा कनेक्शन हो गया है। इसे अब हम लोग देखेंगे कि फ़ैन हमारा घूम रहा है या नहीं, इसलिए हम लोग अब कनेक्शन देते हैं। स्विच दे करके हम लोग देख लेंगे कि फ़ैन हमारा कौन सा डायरेक्शन में घूम रहा है। ये देखिए हमारा फ़ैन घूम रहा है, वो भी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, जो कि सही तरीका होता है। ये था आज का हमारा सीलिंग फ़ैन कनेक्शन का वीडियो। पसंद आए तो आप शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।